नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड 19 के माहौल में फिर से मिलेगा मुफ्त राशन। बिहार में कोविड 19 के मिले 12,000 से ज्यादा मामले। बिहार को मिली ऑक्सीजन की सौगात। बिहार के पंचायतों में जल्द ही लगाया जाएगा ऑटोमेटिक मौसम केंद्र। सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न पत्र के पैटर्न में होगा बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड 19 के मिले 12,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड 19 हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। इसी क्रम में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर 12,672 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 118, अरवल में 127, औरंगाबाद में 748, बांका में 59, बेगूसराय में 607, भागलपुर में 375, भोजपुर में 112, बक्सर में 181, दरभंगा में 98, ईस्ट चंपारण में 203, गया में 816, गोपालगंज में 128, जमुई में 223, जहानाबाद में 91, कैमूर में 153, कटिहार में 216, खगड़िया में 253, इसके साथ ही किशनगंज में 54, लखीसराय में 133, मधेपुरा में 168, मधुबनी में 234, मुंगेर में 383, मुजफ्फरपुर में 704, नालंदा में 347, नवादा में 76, पटना में 2801, पूर्णिया में 389, रोहतास में 396, सहरसा में 129, समस्तीपुर में 224, सारण में 617, शेखपुरा में 37, शिवहर में 54, सीतामढ़ी में 74, सिवान में 279, सुपौल में 214, वैशाली में 340, वेस्ट चंपारण में 354 मामले सामने आए। इसके साथ ही 62 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनके सैंपल को बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6,067 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,12,000 पर पहुंच गई है। स्कूल ऑन मोबाइल का पाठ्यक्रम हुआ जारी। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए कैचअप कोर्स की शुरुआत बीते दिन से कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन क्लास स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम अंतर्गत किया जा रहा है। खबरों की माने तो स्कूल ऑन मोबाइल फेसबुक ग्रुप से दोपहर 1 बजे से 3:45 अपराह्न तक लाइव कक्षाओं का संचालन किया गया। वहीं अब हर दिन कक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा, जिसके तहत अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चे इससे जुड़ेंगे। स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम की टीम लीडर उमाकांत कुमार ने बताया कि यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। टीम भावना और अनुशासन के साथ हम लोग इसे कर लेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दीपक ठाकुर के। बिग बॉस के घर से अपना नाम बनाने वाले दीपक ठाकुर का वास्ता बिहार से ही है। दीपक ठाकुर का जन्म 24 मार्च 1994 में हुआ था। कन्हैया नामित ठाकुर ने बहुत कम उम्र में गायन सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही गाने का काफी शौक था। दीपक ठाकुर प्रसिद्ध भारतीय गायक और यूट्यूबर है। दीपक को फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 में हम्मी के छोड़ी के गीत के साथ अपना बड़ा ब्रेक मिला था। इसके बाद दीपक ने अन्य फिल्मों के लिए भी गाया और बॉलीवुड उद्योग में एक नई आवाज बन गई। हालांकि बिग बॉस के घर में जाने के बाद उन्हें अलग पहचान मिली। दानापुर में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। बीते दिन दानापुर के पीपा पुल पर एक यात्रियों से भरी बुलेरो गंगा नदी में गिर गई थी। हालांकि इस मामले में खबर लिखे जाने तक कई लोगों की जान गंवाने की पुष्टि की गई थी, वहीं कई लोग लापता भी बताए गए थे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वो इससे मर्माहत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की राशि के रूप में देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सांसद रामकृपाल यादव ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हृदय विदारक घटना में हुए लोगों के गुजर जाने से मर्माहत हो। बिहार के पंचायतों में जल्द ही देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक मौसम केंद्र। बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए बिहार सरकार ने अब अच्छी पहल की है, जिसके तहत मौसम का हालचाल अब किसानों को सटीक तरीके से पता चलने वाला है। जिसके लिए राज्य सरकार ने हर पंचायत में जल्द ही ऑटोमेटिक मौसम केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी 8,366 पंचायतों में ऑटोमेटिक मौसम केंद्र को स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो आने वाले 6 महीने में राज्य के सभी पंचायतों में ऐसे केंद्र को स्थापित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। योजना एवं विकास विभाग के स्तर से इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है। बिहार के सरकारी ITI संस्थानों में खाली पड़े हैं हजारों पद। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हालांकि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर हजारों की संख्या में सीट अभी भी खाली पड़े हैं। इनमें से एक है सरकारी ITI संस्थान। कोविड 19 का असर आम जनजीवन के साथ साथ अलग अलग विभागों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते बीच में ही काउंसिलिंग रोकनी पड़ी। राज्य सरकार की ITI कॉलेज करीब 2,500 सीट खाली पड़ी है। BCECE ने खाली पड़े सीटों के लिए आवेदन भी मांगा था, लेकिन BCECE ने कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी है। काउंसलिंग कब होगी इसकी कोई जानकारी अब तक बोर्ड ने जारी नहीं की है।
बिहार को मिली ऑक्सीजन की खेप। बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए बिहार को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार को 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार राज्य को 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन भारत सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को 24,604 रेमडेसिविर डोज का कोटा मिला है, वो जल्द ही बिहार पहुंचेगा। बिहार के प्रखंड में लोगों ने खुद लगाया लॉकडाउन। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों से बार बार ये अपील करनी पड़ रही है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। लेकिन बिहार का एक ऐसा प्रखंड भी सामने आया है जिसने अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके तहत गया जिले के परैया में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ग्रामीणों ने स्वतः 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। परैया बाजार गुरुवार एवं शुक्रवार को पूर्णतः बंद रहेगा। इस बंदी में प्रशासन का कोई रोल नहीं है। परैया में बढ़ते संक्रमण के खतरे को लेकर बाजार के व्यवसायियों और ग्रामीण ने खुद बाजार बंद करने का फैसला लिया है। कोविड 19 मरीजों की मदद के लिए भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कोविड 19 संक्रमितों की बढ़ रही संख्या के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कोविड 19 प्रभावितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसी क्रम में बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, जमुई, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवगछिया, बांका, नालंदा, नवादा जिले में फोन नंबर 6200826297, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया के लिए 6200826286, वहीं बाढ़, पटना ग्रामीण, पटना महानगर, गया, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और भोजपुर के लिए 6200826301, इसी के साथ छपरा, मोतिहारी, बघा, बेतिया, रक्सौल, ढाका, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के लिए 6200826288 जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ अहम दिशा निर्देश। बिहार में कोविड 19 की चपेट में आने वालों की संख्या हर दिन अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसी बीच फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे पुलिस कर्मी भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने अब पुलिस कर्मियों को लेकर के खास दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले पुलिस कर्मी या अन्य कर्मी जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय के कोरोना नोडल ऑफिसर को देने को कहा गया है। जानकारों की माने तो पुलिस मुख्यालय का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों की सहायता के लिए दिन रात खड़े पुलिसकर्मी कोविड 19 की चपेट में आने से बच सके। नालों की उड़ाही का काम 10 मई तक अब करना होगा पूरा। बारिश का मौसम आने से पहले बिहार में जलजमाव की समस्या से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बीते दिन नगर निकाय और आवास विभाग ने 18 नगर निगम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन करवाया था, साथ ही स्थानीय लोगों से फीडबैक लेने की बात भी कही थी, जिसके बाद मानसून से पहले इस बैठक में नालों की उड़ाही का काम 10 मई से पहले पूरा करने की बात कही गई है। इसके साथ ही नगर निगम में निर्मित वेंडिंग जोन भी जल्द से जल्द आवंटित करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अर्धनिर्मित वेंडिंग जोन को काम पूरा करने के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के युवाओं को वैक्सीन देने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में कोविड 19 की परिस्थिति जिस तरीके से खराब हो रही है, ऐसे में टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प निकलकर सरकार के सामने आया है। इसी बीच अब बिहार में युवाओं को टीका देने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो सूबे में 5,47,00,000 युवा कोरोना का वैक्सीन लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यमृत ने यह जानकारी दी है कि आगामी 1 मई से राज्य के 5,47,00,000 नौजवानों को टीका लगाने की तैयारी जारी है। यह संख्या राज्य की जनगणना के आधार पर तय किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पूरे देश में कोविड 19 की स्तर लगातार बढ़ती जा रही है और 1 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल की उम्र से ज्यादा के युवाओं को टीका लगाने का आदेश हाल ही में जारी किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के लिए लिखा पत्र। बिहार में कोविड 19 की खराब हो रही अवस्था को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम पर बीते दिन एक खुला पत्र जारी किया। उन्होंने पत्र में लिखा, प्यारे बिहार वासियों, शासकीय विफलताओं द्वारा आमंत्रित कोरोना महामारी की दूसरी लहर इंसानों पर कहर बन के टूट रही है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सकों और आपातकालीन जरूरतों और चिकित्सीय सुविधाओं की भारी कमी से आप भली भांति अवगत है। सर्वविदित है कि बिहार के अस्पतालों में दवा, बेड, ऑक्सीजन और इलाज का घोर अभाव, यही वजह है कि चारों ओर लाशों के ढेर। कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा भी सरकार अपनी तरफ से छुपाने की कोशिश कर रही है।
सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल के पैटर्न में होगा बदलाव। पिछले साल से कोविड 19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा विभाग रहा है। शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से खराब हो गई है कि छात्र सही ढंग से अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पा रहे। इसी बीच अब सीबीएसई ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल के पैटर्न में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सीबीएसई 2022 की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन में भी बदलाव करेगा। बोर्ड के अनुसार 9वीं और 10वीं में लगभग 30% बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 20% सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और 50% लघु और दीर्घोत्तरीय प्रकार के पूछे जाएंगे। झारखंड के साथ बंगाल भी अब बिहार को देगी ऑक्सीजन। कोविड 19 के माहौल में एक राज्य दूसरे राज्य के साथी बन गए हैं। कोविड 19 के माहौल में अब बिहार को झारखंड के बाद बंगाल का साथ मिल गया है। खबरों की माने तो बिहार में लगातार ऑक्सीजन की कमी की आ रही खबरों पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से बुधवार के बीच 20 टैंकर तरल ऑक्सीजन बिहार पहुंचने के बाद एक दो दिनों के अंतराल पर बंगाल से भी तरल ऑक्सीजन का टैंकर बिहार पहुंच रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्योग विभाग के स्तर पर हर रोज इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अनुकंपा पर नौकरी के नियमों में सरकार ने किया फेरबदल। नीतीश सरकार ने हाल ही में अनुकंपा पर नौकरी के नियमों में बड़ा फेरबदल करने का आदेश दिया है। जानकारों की माने तो पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के आवेदन खारिज होने के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार को नियमों में फेरबदल करने का निर्देश जारी किया था। दरअसल ये पूरा मामला साल 2013 का है, जब अनुकंपा के आधार पर एक महिला ने नौकरी के लिए आवेदन दिया था। महिला के पति सरकारी कर्मचारी थे और पिछले 8 साल पहले वो 2008 से लापता थे। उसके आवेदन को सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आवेदन देने में देरी हो गई। आपको बता दें कि पहले सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए 5 साल के अंदर ही आवेदन दिया जा सकता था, जिसके बाद ही महिला ने आवेदन किया था। विपक्ष ने की बिहार सरकार से राज्य में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने की अपील। बिहार में कोविड 19 का हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस कारण अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं बचे हैं। ऐसे में विपक्ष ने सरकार से अपील की है कि राज्य में हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाए। इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए राज्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कहा है कि राज्य में जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है, ऐसे में राज्य में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बनते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार भाजपा के दो नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार भाजपा के दो नेताओं को अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद को अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद को अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसकी पुष्टि भाजपा के अन्य पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर निखिल आनंद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। वो इस बार मनेर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी थे। वहीं इन दोनों नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया है। कोविड 19 के माहौल में फिर से मिलेगा मुफ्त राशन। समूचे भारत में कोविड 19 ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से मुफ्त में अनाज वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पिछले साल की भांति इस साल भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को लाभ देने का फैसला लिया गया। इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूं। ऐसे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। नीलामी में अव्वल रहा खिलाड़ी, मैदान पर साबित हो रहा है फिसड्डी। आईपीएल का मैच इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां कई खिलाड़ी को मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक देखने को मिल रहा है। ऐसे में खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस। मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन क्रिस मॉरिस अपने प्रदर्शन से अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं। क्रिस मॉरिस को लेकर अब पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर केविन पीटरसन ने बड़ा बयान जारी किया है। पीटरसन ने कहा है कि वो मॉरिस को इतने पैसे कभी नहीं देते। वो आज राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से मैदान में उतरने वाली है, जिसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्रिस मॉरिस आज अपना जलवा दिखाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1962 में MIT ने पहली बार सैटेलाइट द्वारा टीवी सिग्नल आज के दिन भेजा था। 1973 में भारत रत्न से अलंकित मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्म आज के दिन मुंबई में हुआ था। 1974 में प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधरी सिंह दिनकर ने आज के दिन आखिरी सांस ली थी। 2011 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 2013 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इमारत गिरने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। आज के दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब फेसबुक पर किस किस ने आपके प्रोफाइल को देखा इस बात का पता लगा सकते हैं आप। फेसबुक काफी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पर काफी लोग सुपर एक्टिव रहते हैं। हालांकि कई बार हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि हमारे प्रोफाइल को किसने देखा है, लेकिन अब आप इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप से facebook.com पेज ओपन करें। पेज ओपन करने के बाद इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद फेसबुक के होम पेज पर जाएं। होम पेज पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें बडी आईडी को सर्च करें। बडी आईडी के आगे ही नाम लिखा होगा जिसमें आपका फेसबुक प्रोफाइल विजिट किया है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी वहां से आसानी से मिल जाएगी। मनोज तिवारी भी आए कोविड-19 की चपेट में। कोविड-19 अपने चपेट में अब तक कई कलाकारों को ले चुका है। इसी क्रम में कलाकार से राजनीति में मनोज तिवारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिनों पहले वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का हिस्सा बने थे, हालांकि अब वो वापस लौट चुके हैं और लौटते ही जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही देते हुए ट्वीट कर बताया कि पिछले 2-3 दिनों से हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इस बीच जांच कराने पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पिछले 3-4 दिनों में उनके संपर्क में आने वाले लोग भी जांच करा ले। मनोज तिवारी की हालत फिलहाल सामान्य है और उन्होंने अपने घर में खुद को आइसोलेट कर रखा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,060 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,060 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.32 रुपए प्रति लीटर था। कोरोना के लक्षण वाले मरीज के लिए बिहार के अस्पतालों में बनेंगे स्पेशल वार्ड। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उन मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जाएंगे जिनके पास कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। बिहार में IGIMS समेत सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अब अलग से एक वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं वैसे मरीज भी इसमें भर्ती हो पाएंगे जिनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है लेकिन उसमें अभी कोरोना के लक्षण दिख रहे हों। ऐसे मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 25 बेड के अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे, इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। भागलपुर के JLNMCH को बनाया जाएगा कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से सरकार भी अपनी तरफ से अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की जुगत में जुट गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार की तरफ से अब भागलपुर के JLNMCH को भी कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए लगा दिया गया है, जिसके बाद कोरोना के मरीजों के लिए वहां 700 बेड बनाए गए हैं। साथ ही वहां कई सेवाएं बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवा को लेकर सदर अस्पताल में वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बीते दिन सदर अस्पताल का जायजा लिया, साथ ही डॉक्टरों और अधिकारियों के कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रीना पासवान, सुब्रता कुमारी, धनंजय कुमार, रितेश कुमार, पप्पू कुमार, नितेश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मोनू कुमार, मोंटू सिंह, नीलू कुमारी, शिवम कुमार, आदर्श कुमार, मयंक श्याम प्रसाद, प्रभु सिंह, रवि कुमार, प्रहलाद कुमार, दीनानाथ कुमार, रामदर्शन यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच आपके आसपास लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।